गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10, अध्याय 10। क्या है चैप्टर का नाम? रेशियो। क्या है रेशियो? हिंदी में बोलते हैं अनुपात। तो उसका साइन कैसे रहता है? रेशियो का साइन होता है इस तरह का रहता है, कोई भी एक दो नंबर के बीच में एक टुक ऐसे 4:5 इसको 4:5 4:5 इस तरह रेशियो का साइन होता है। इसका मतलब होता है बट्टा, मतलब हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 4/5 रेशियो का मतलब हो जाता है बट्टा, ठीक है, अपॉन हो जाता है, ठीक है। जब हम लोग का बुक में दिया गया है, एक बुक में दिया गया क्वेश्चन नंबर 1 10.1 एक्सरसाइज 10.1 में क्या बोल रहा है क्वेश्चन पे पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन ये बोलता है कि कलेक्ट दीज, है ना, आप लोग का जो डायग्राम दिया गया, एक पेंसिल का दिया गया, एक पेन का दिया गया, एक नेल का, एक आलपिन का, ठीक है। क्या क्या दिया गया? एक पेंसिल का दिया हुआ, पेन दिया हुआ, एक कील दिया हुआ, आलपिन पर दिया। क्या लिखा है वो पढ़ लेते हैं। कलेक्ट दिस अराउंड यू, फाइंड आउट द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, फाइंड द रेशियो द लेंथ बिटवीन डिफरेंट ऑब्जेक्ट, है ना, डिफरेंट ऑब्जेक्ट, राइट देम इन सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। अपने आपने आस पास के निम्न वस्तुओं की इकट्ठी कीजिए, जिनके वस्तु की लंबाई ज्ञात कर लंबाई के बीच में अनुपात याद कीजिए, अनुपात सरलतम रूप में लिखिए। तो आप लोग के यहाँ पे किताब पे क्या दिया हुआ? एक पेंसिल दिया, एक पेन दिया हुआ है, है ना, एक पेन दिया हुआ है। हम मान लो उसको मेजर कर रहे हैं, उसके माप ले रहे हैं, तो उसको मान लो कितना है पेंसिल, पेंसिल कितना है बोल रहा है, 5 सेंटीमीटर है मान के चलो, कितना है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। पेन पेंसिल को हम लोग मान लेते हैं कितना है बोल रहा है, पेंसिल का मान लेते हैं हम लोग कितना है बोलता है 5 सेंटीमीटर, क्या है 5 सेंटीमीटर, 5 सेमी है, ठीक है। उसके बाद हम लोग पेन को मान लेते हैं, पेन को भी मान ले लेते हैं कितना है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम लोग कील को, है ना, नेल को हम कितना मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर, ठीक है, ओके। और आलपिन को, है ना, आलपिन को हम लोग मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर, ठीक है, ओके। पेंसिल को इतना मान लेते हैं 5, पेन को मान लेते हैं 5, है ना, नेल को मतलब कील को ले लेते हैं 4, आलपिन को 3, ठीक है, 3 सेंटीमीटर। अब हम लोग को इसको रेशियो में लिखना है, तो सबसे पहले हम लोग को बोलता है आलपिन एंड नेल, लिखेंगे आलपिन रेशियो नेल। क्या लिखेंगे हिंदी में? क्या दिया हुआ है? आलपिन और कील का नेल। तो आलपिन कितना दिया हुआ है हम लोग को दिख रहा है, आलपिन कितना दिया हुआ है 3, है ना, 3 मांग लिए हैं, है ना, आलपिन को 3 लिखा। नेल कितना लिखे हैं? नेल में कितना बोला है 4 सेंटीमीटर, तो इसका रेशियो होगा 3:4। क्या होगा इसका? 3:4। इस तरह से हम लोग रेशियो को लिखेंगे। वैसे दूसरा वाला भी बोला है, किसका बोला है? नेल, नेल एंड पेंसिल, नेल कितना दिया हुआ है 4, तो 4 लिखूंगा। और उसके बाद किसको बोलता है? पेंसिल, पेंसिल का कितना है 5, तो 4:5। किस तरह से लिखना है? 4:5 किस तरह से लिखना है मैं आप लोग को सेंड कर दूंगा, आप लोग उसको देख के लिख लीजिएगा। वैसे प्रकार थ्री नंबर तीसरा का किसका बात कर रहा है? पेन और नेल, तो पेन कितना दिया हुआ है? पेन कितना दिया हुआ है 5, और उसके बाद नेल बोल रहा है, तो 5:4, समझ आ रहा है 5:4। किस तरह से लिखना है? 5:4 ये कितना है? 3:4 ये कितना है? 4:5। तो चौथा नंबर में निकालेंगे, फोर्थ नंबर किसका बोल रहा है? नेल, नेल कितना दे रहा है 4, उसके बाद किसका बात कर रहा है? नेल का, और आलपिन, आलपिन कितना दे 3, तो बीच में क्या लिखूंगा? रेशियो 4:3, 4:3। चौथा का आंसर कितना होगा? 4:3, 4:3। वैसे पांचवा का कितना होगा? पांचवा का क्या क्या दिया है? पांचवा का बोला है आलपिन, तो आलपिन मेरा कितना है 3, है ना, उसके बाद क्या बोलता है? पेन, तो पेन कितना दिया हुआ है? ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूंगा रेशियो, ठीक है, अनुपात, तो क्या लिखूंगा? 3:5, 3:5, 3:5, ठीक है, 6, ठीक है। छः नंबर में क्या बोलता है? पेन और पेंसिल, पेन कितना दिया हुआ है 5, है ना, पेन कितना दिया हुआ है 5 हो गया, और पेंसिल, पेंसिल कितना दिया 5, तो 5:5, तो हम लिखेंगे 5:5, तो कैंसिल भी करेंगे तो 1/1 भी हो जाएगा, ठीक है, 1:5, ठीक है। सेवन नंबर, सेवन नंबर क्या दिया हुआ है? सात नंबर,
किसका दिया हुआ, पैन दिया हुआ, पैन कितना दिया हुआ है 5, उसके बाद बोलते हैं आल्पिन, आल्पिन में कितना दिया 3, तो 5:3, 5:3, 5:3, 5:3, ठीक है। उसके बाद 8 नंबर, क्या बोल रहा है, पेंसिल, पेंसिल पे कितना दिया हुआ है 5, आल्पिन का कितना दिया हुआ है 3, तो क्या लिखूंगा मैं 5:3, सॉरी वही हो गया ना, पेंसिल दिया हुआ है 5 और आल्पिन, ठीक है 5:3, इसका हमारा आंसर आ गया, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। उसी प्रकार सेकेंड का क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ठीक है। अब हम बनाएंगे क्या क्वेश्चन नंबर 2 को, प्रश्न नंबर दूसरा को, प्रश्न नंबर दूसरा में क्या बोलता है पढ़ लेते हैं, फाइंड आउट द रेशियो ऑफ ए फॉलोइंग, जो आप लोग को दिया है बोलता है उसका अनुपात ज्ञात कीजिए। जैसे हम लोग को क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 15 मिनट एंड 1 आवर, 15 मिनट एंड 1 आवर, दे 15 मिनट है ना, 15 मिनट और 1 घंटा का बात कर रहा है। तो ये मिनट में दिया हुआ है, घंटा में दिया हुआ है, मिनट में है या आवर्स में है, तो सबसे पहले हम काम करेंगे ये दोनों को या मिनट में बदल देंगे या दोनों को आवर्स में बदल देंगे। तो ये 15 मिनट को आवर में बदलने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ये आवर को मिनट में बदलने में जल्दी हो जाएगा, है ना। ये मिनट को घंटे में करने थोड़ा ये लगेगा, लेकिन घंटे को हम मिनट में बदल सकते हैं, लेकिन जानते हैं कि 1 घंटा में कितना मिनट होता है। तो यहाँ पे लिखूँगा 50 मिनट एंड 1 घंटे के जगह मैं कितना मिनट लिखूँगा 60 मिनट लिखूँगा, 60 मिनट, 1 आवर में कितना मिनट होता है 60। अब मैं इनका रेशियो निकालूँगा, 15:60, 15:60, ठीक है। अब इसको हम मैं करूँगा अपॉन में करूँगा 15/60, तो 15 के टेबल में कट जाएगा, 1 बार में 4 बार, 15 × 15 = 60, तो कितना लिखूँगा मैं 1:4, इसका आंसर कितना आया 1:4, समझ आ रहा है। उसी प्रकार दूसरा नंबर बता रहा है, लिख लेते हैं समझ लेते हैं। दूसरा नंबर में क्या बोलता है 250 ग्राम एंड 1 किलोग्राम, 250 ग्राम और 1 किलो का बात कर रहा है, यहाँ ग्राम है यहाँ पे किलो है, दोनों में से है, दोनों को ग्राम में बदल देंगे या दोनों को केजी में, इस ग्राम को बदलने में केजी में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन केजी को हम ग्राम में बदल सकते हैं। इसके जगह में हम लिख सकते हैं 1 किलो में कितना ग्राम होता है 1000 ग्राम होता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे 250 ग्राम 250 ग्राम अनुपात 1000 ग्राम। तो अब हम इसको करेंगे रेशियो में निकालेंगे 250/1000, तो 0 0 कैंसिल, 25 के टेबल 25 25 25 25 25 100, ठीक है 1:4, 1:4, दूसरा का हो गया, ठीक है। अब आते हैं तीसरा नंबर बनाते हैं, थर्ड का, ठीक है। तीसरा में क्या बोलता है 15 पैसे 1 रुपी, 15 पैसे और 1 रुपया का बात कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या दोनों को मैं या पैसे में बदल दूँ या दोनों को रुपए में बदल दूँ, तो 1 रुपये को हम पैसे में बदल सकते हैं जल्द से, तो यहाँ पे क्या लिखूँगा 15 पैसे है ना रेशियो 1 रुपीज को कितना पैसा होता है 100 पैसा होता है, ठीक है 100 पैसा, ठीक है। उसके बाद 15/100, 15/100, क्या लिखेंगे 15/100, तो कैंसिल करेंगे 5 के टेबल में कैंसिल करेंगे, तो 5 3 = 15, 5 2 = 10, 5 0 = 0, 5 3 = 15, 5 2 = 10, 0 = 0, तो कितना हुआ 3:20, 3:20, ठीक है 3:20, समझ आ रहा है 3:20। वैसे क्वेश्चन नंबर 4 में 12 पैसे 12 पैसे और 5 रुपये का बात कर रहा है, ठीक है 5 रुपीज, तो ये 12 पैसे का इस रुपीज़ को पैसे में बदल देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये 12 पैसे रेशियो 5 रुपये में कितना होगा, यदि 1 रुपये में 100 होता तो 5 रुपये में कितना होगा 500 पैसे, ठीक है ओके। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे इसको रेशियो में लाएंगे, तो 12/500 12/500, ठीक है ओके। अब हमारा काम क्या है यहाँ पे कैंसिल करेंगे 2 के टेबल में कैंसिल करेंगे तो कितना कितना आ रहा है 3:125, ठीक है
चार के पहाड़ में भी कर सकते हैं, डायरेक्ट या तीन के पहाड़ में कर, चार या बारह, तो चार एकम चार बचा कितना, दस, चार दूनी आठ, पचे पाँच, ठीक है, थ्री रेशियो 120, तीन अनुपात 125, ठीक है। किस तरह से बनाना है, इसी तरह से बनाना है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आप लोग देख के बना लीजिएगा, ठीक है, मैं सेंड कर दूंगा, आप लोग देख के उसको बना लीजिएगा, ठीक है। हाँ जैसे, हाँ सॉरी, एक तो क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 को दिया हुआ है ना, इसको कैसे बनाया जाता मैं आपको बता दे रहा हूँ। क्या दिया हुआ है, 2 1/2 सेंटीमीटर एंड 1 मीटर, ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है और ये मीटर में दिया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस मीटर को हम क्या करेंगे सेंटीमीटर में बदल देंगे। देखिए सबसे पहले इसको करेंगे कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन रूप में, 2 2 जब 4 1 5 अपॉन 2, 2 2 4 1/5, तो पहले इसके साथ गुणित होता है, इसके साथ ही गुणित होगा, प्लस होगा, तो हुआ है 5, नीचे का जोड़ है तो बस, ठीक है। तो ये आ गया सेंटीमीटर, ठीक है। रेशियो 1 मीटर इक्वल टू कितना सेंटीमीटर होता है पता है, 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हमारा क्या है, ये ऊपर में रहेगा, ऊपर वाला नीचे वाला नीचे में रहेगा, नीचे में 100 आ जाएगा, ठीक है, 100। तो हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, 5 1 5 5 2 10, तो नीचे बचा 0 होता, 5 1 5 5 2 10 0 0, तो क्या हो गया 1/40, तो 1:40, ठीक है। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 3 में जितना भी आप लोग को क्वेश्चन दिया उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना, कौन किसके टेबल में कैंसिल हो रहा है आप लोग इसको एक दो ठो बता देना, फिर आप लोग बनाते रहेगा, ठीक है। जिसे 150 रेशियो और 400, हम लोग को सिंपलेस्ट फॉर्म में सरलतम रूप में करना, तो कैसे करोगे, बटन में करोगे इसको, जिसको जो पहाड़े में जिसके जो टेबल में आएगा कैंसिल करेंगे वैसे करेंगे, 0 का 0 कैंसिल, 15 और 40 किसके टेबल में, 5 के 10 5 3 जा 15, 5 8 जा 40, तो पहला वाला का रेशियो क्या होगा, 3:8, क्या लिखेंगे, 3:8। उसी प्रकार है ना, उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, दूसरा नंबर दिया हुआ 85 रेशियो 200 85 225, तो हम लोग जैसे कैंसिल करेंगे वैसे करेंगे, ठीक है। जब इसको हम लोग 5 के टेबल में 5 के पहाड़े में काटेंगे तो कितना आएगा, ये 17 और ये होगा 51 17 होगा और ये 51, फिर ये 17 और 51 किसके टेबल में जाएगा, 17 के टेबल में कैंसिल होगा, 17 1 जा 17 17 3 जा 51, 17 कम 17 17 या 51, ठीक है। तो अब हमारे इसका रेशियो क्या होगा, 1/3। बाकी सब चीज़ को भी इस तरह से बनाना है, आप लोग को करना है क्वेश्चन नंबर 3 तक आप लोग, बाकी जो बचा हुआ क्वेश्चन छोड़ा हूँ उसको आप लोग बनाएं, कल से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से बनाएंगे, ठीक है, थैंक यू।